हाँ तो भाई, कैसे हो आप लोग? स्वागत है सभी छात्र छात्राओं का आज की इस वीडियो में। तो भाई साहब, आज की वीडियो फाइनली होने वाली क्लैन वॉर लीग के ऊपर, और एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं यार कैसी रहने वाली है ये न्यू जर्नी, वो तो बताऊंगा वीडियो के अंदर। कौन सी जर्नी है, कैसी है, कहाँ से आई, क्यों आई, किस लिए आई और कहाँ गायब हो गए थे, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे थे, सब देखेंगे आज की वीडियो में। तो अब सबसे पहले जानते हैं न्यू जर्नी के बारे में। देखो भाई साहब, ये क्लैन है क्रोन वाइटी 2। तो ये भाई हमारा सेकंड क्लैन हो गया क्रोन वाइटी का। ये क्लैन अभी चैंप 3 में, इस क्लैन को चैंप 3 से चैंप 2 में पहुंचाना है। और यहाँ पर सुमित की आईडी भी खेल रही है, मेरी आईडी भी खेल रही है, और कुछ क्रोन वाइटी के बंदे तगड़े तगड़े जिनकी आईडी यहाँ पर खेल रही है। तो क्या लगता है आप लोगों, क्या चैंप 3 से चैंप 2 हम लोग कर पाएंगे? और देख लो भाई साहब, ये क्लैन्स आ रखे हैं इस बार हमारे सामने, इन सारे क्लैन्स को हराना पड़ेगा जब ही हो पाएगा भाई चैंप 2। और आप लोग सोच रहे हो कि भाई क्रोन वाइटी का क्या हुआ, उसकी वॉर किधर है, वो कब आएगी, वो भी देखेंगे इसी वीडियो में। आप लोगों को दिखाएंगे उधर क्या हालचाल है, वॉर चालू हुई या नहीं हुई, वो लास्ट में दिखाएंगे। तो पहले देखो यहाँ का सीन, फिर देखेंगे वहां का सीन। तो पिटाई चालू करते हैं फिर आज की इस वॉर की। तो चलो भाई साहब, पहले हम लोग लेंगे कौन से बेस को, 3 4 5, 5 को लेंगे सबसे पहले। और इस बेस के ऊपर ऐसा कर देंगे कि भागता फिरेगा ये बेस, यकीन नहीं है तो देख लो। वैसे तुम्हारा भाई फेल करने वाला है अटैक, और ये बेस है थोड़ा ऊट पटांग सा बेस है। तो देखते हैं इस ऊट पटांग बेस को, क्या ये बेस बच पाएगा हमारे सामने या हम इसको पेल के निकल जाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, बेबी ड्रैगन से फनल लेते हैं। किधर लें लेकिन फनल, फनल लेना पड़ेगा लेबोरेटरी पे, इधर से आएगी अपनी क्वीन। और बलून, ये सुपर ड्रैगन, ये बलून, ये वार्डन, ये ब्लिम्प। ओके, वार्डन एबिलिटी, यहाँ पर आएगी रेज। ओ टोर्नाडो निकल गया भाई साहब। अच्छा टाउन हॉल को जमा देता हूँ। टेस्ला टाउन हॉल के पास है ना, बलून जाएंगे ना तो एक्टिव हो जाएगा टाउन हॉल। चलो रेज मार देते हैं, इसीलिए एक्टिव हो गया बिल्कुल भाई। चलो टीएस तो निकल गया, अब टीएस निकल गया तो बेस तो निकल ही जाएगा। आप लोगों को पता ही है गाइस, तुम्हारा भाई कितना ओपी अटैकर है सुपर ड्रैगन का। ऑलमोस्ट जब भी मैं यूज़ करता हूँ तो आप लोगों ने देखा ही है, ट्रिपल ही आता है। और बेस भागने लगते हैं, क्वीन को बचाना पड़ेगा। यहाँ पर क्वीन मर गई ना हमारी, तो हमारे सुपर ड्रैगन भी साथ छोड़ देंगे, कहेंगे अब नहीं हो रहा कुछ भी। और क्वीन देखो तुम्हारा भाई कहाँ बचा रहा है, क्वीन की हेल्थ देखो बस तुम। मैंने दोबारा एक्सबॉक्स इसलिए जमाया ताकि सुपर ड्रैगन इसको तोड़ दें जल्दी से, और ये क्वीन को ना मार पाए। एक फ्रीज है, एक पॉइजन है, आरसी का आना बाकी है, आरसी बहुत जल्दी उतारेंगे हम। फिलहाल यहाँ पर क्वीन को मार दिया सुपर ड्रैगन ने, बहुत ही बढ़िया करा। अभी फिलहाल गाइज अटैक पूरा कंट्रोल में ले लिया है, फिल्म हालांकि फंस गई थी इस अटैक में, लेकिन सुपर ड्रैगन गॉड ओपी बोलते आप लोगों को पता ही है। जब भी हम आते हैं अपनी इस आर्मी से तो बेस को पहल के ही जाते हैं, और आप में से काफ़ी बंदे चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सिखा दूँ सुपर ड्रैगन। सिखाएंगे इस वाली CWL के बाद सिखाएंगे। वैसे आप लोग CWL की मेरी वीडियो देखो, ऑलमोस्ट वैसे ही समझ जाओगे कैसे करा जाता है। यहाँ पर हम लोग RC एबिलिटी यूज़ कर देते हैं ताकि बेस हो जाए जल्दी से ख़त्म। चलो जी, ये तो कर दिया हमने, 320 का झटका दे दिया इस बेस को। और ये था सिंपल अटैक, अगला अटैक इससे भी ज़्यादा रिस्की करने वाला हूँ। गॉड हैं तो हैं भाई, हैं तो हैं। देखो अगला अटैक, इस बार तुम्हारा भाई ऐसा अटैक कर देगा, इतना खतरनाक रिस्क ले लूँगा, आप लोग भी कहोगे कि भाई असली गॉड तू ही है। आ जाओ फिर देख लो अटैक देखो, अटैक का लेवल देखो। पहले तो ये बेस देखो कैसा बेस है, स्वीपर पोजिशन देखो कैसी सेट कर रखी है बंदे ने, एयर एंट्री ना मिले जल्दी से। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब गॉड आए तो एंट्री क्या, 3 स्टार ही लेके जाएंगे। फिलहाल यहाँ से क्वीन, बलून, सुपर ड्रैगन, बलून्स, यहीं से वार्डन, यहीं से स्लेमर। अब स्लेमर देख के जान निकल ली होगी आप लोगों की, कह रहे हो क्या कर रहा है, आज दिखाएंगे असली गॉड बनना। RC होल्ड है ना, सोच रहे हो कि भाई 1 स्टार नहीं होगा, RC होल्ड है, RC भी डालूंगा अर्ली। जाओ RC भी अर्ली डाल दूंगा, स्लेमर डाल दिया ना, RC भी अर्ली आएगी। RC यहीं से डालता हूँ, एक्सबो की साइड से ये ड्रॉप कर दी। जाओ गॉड हैं तो हैं भाई, ठीक है अपना सुपर ड्रैगन है तो है भाई खतरनाक, अब क्या ही कर सकते हैं।
टाउन हॉल जो है आप लोग सोच रहे हो कि निकलेगा नहीं, ऐसा है नहीं, टाउन हॉल वाउन हॉल सब निकलेगा, क्योंकि ये सुपर ड्रैगन जो है ना ये सारों पे नाचते हैं हमारे, जहाँ हम चाहें इन्हें भेज देते हैं। फिलहाल देखते हैं, यहाँ पर फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, और ये चार की चार स्पेले स्वैग दे सकता है तुम्हारा भाई, ये चार की चार स्पेले मैं कर सकता हूँ यहाँ से स्वैग। तो यकीन नहीं है तो शर्त लगा लो, हार जाओगे फ्री फंड में, फिर कहोगे कि भैया एजाज ने हरा दिया हमें, येल्लो कर दी चार की चार स्वैग, मान गए नहीं माने, नहीं माने आगे फिर दिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैसे तो मान गए होंगे सारे बंदे, ठीक है जी। इसलिए कहता हूँ गुस्सा मत दिलाया करो, गुस्से में खतरनाक अटैक कर देता तुम्हारा भाई। तो गाइज इस अटैक के लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, कर देना गाइस, ठीक है। अगले अटैक करें आईसी विशाल भाई, देखते हैं इनका अटैक कैसा अटैक करेंगे, किस आर्मी से अटैक करेंगे, क्या ट्रिपल मारेंगे, टू स्टार मारेंगे, वन स्टार मारेंगे, या जीरो पे एंड कर देंगे। तो जानते हैं इस अटैक को। फिलहाल यहाँ पर कर रहे हैं ये कुंचा सुपर बलून, और ये आर्मी बहुत ही रिस्की है, आप लोगों को पता ही है, इतनी रिस्की है कि भैया बस क्या ही बताऊँ मैं, सुई में धागा डालने वाली बात हो जाती है। चलो देख लेते हैं क्या रहता है क्या नहीं रहता है। फ्लेम फिंगर डाला 600 क्लॉक से, क्या फ्लेम फिंगर से सारी वैल्यू लेना चाहते हैं ईगल तक की? ईगल तक की तो नहीं मिलेगी, मोटर रखी है वहाँ पे। फिलहाल यहाँ से क्विन चार्ज इन्होंने स्टार्ट किया है, ओके देख लेते हैं भाई एंड का क्विन चार्ज कैसा चलता है। टोर्नाडो ट्रिगर कर दिया भाई इन्होंने अर्ली, ये बढ़िया करा, और फ्लेम फिंगर अपना काम कर ही रहा है। फिलहाल यहाँ पर क्विन चार्ज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं क्विन चार्ज में। हीलर्स डाल दिए, एक सुपर बलून भी डाल दिया, नाइस यार ओपी। तो अभी तक बिल्कुल शानदार चल रहा है अटैक, कोई दिक्कत ही नहीं है इस अटैक में। एंड यहाँ पर किंग वॉल ब्रेक, किंग को इस कंपार्टमेंट में लाना चाहते हैं, ओके क्वीन को ऊपर ही घुसाना चाह रहे हैं। सीसी आ चुकी है, अर्ली पॉइजन लगेगा, लावा एचएच रेच अर्ली पॉइजन, नाइस। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आरसी किधर से डालेंगे, आरसी का आना बाकी है, अभी आरसी होल्ड है। और यार वार्डन इन्होंने क्वीन के साथ यूज़ नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया यूज़, वैसे वार्डन के साथ चार्ज में यूज़ कर सकते हैं। ओके ओ आरसी के साथ यूज़ किया इन्होंने वार्डन, ओके क्वीन के साथ यूज़ नहीं किया, नाइस। चलो देखते हैं क्वीन के ऊपर डैमेज आ रहा है, फिलहाल टीएच को फुल इग्नोर किया जा रहा है, टीएच को शायद लास्ट में लेने का प्लान है, ओके। एंड अभी तक सुपर बलून सारे होल्ड हैं, तो क्या चल रहा है भाई साहब, ये यहाँ पर एक रेज मार दी है एंड वार्डन एबिलिटी यूज़ कर दी, मतलब काफ़ी चीज़ों को वार्डन एबिलिटी मिल गई, क्वीन हीलर उनको भी मिल गई, तो ये फ़ायदा हो गया एक। मल्टी को फ्रीज कर दिया है, ये मल्टी को निकालना चाहते हैं जल्द से जल्द, देखते हैं भाई फिलहाल क्या रहता है। टाउन हॉल के ऊपर सुपर बलून डालें टेस्टिंग के लिए, मतलब अगर कोई वहाँ पे ट्रैप्स है ना टाउन हॉल के पास तो वो ट्रिगर हो चुके हैं, इसलिए वो सुपर बलून डाले थे इन्होंने। फिलहाल तो गाइज क्वीन के पास एबिलिटी 10 बलून बचे हुए हैं, टीएच को फ्रीज करा है, 5 सुपर बलून टीएच के लिए डाल दिए इन्होंने, एक फ्रीज और कर दिया, वैसे ज़रूरत नहीं थी, 5 सुपर बलून का स्वैग कर दिया, नाइस ओपी अटैक। अब देखते हैं अगला अटैक, 3 में 9 कर दिए वैसे तो हमने। अगले अटैक करें चिराग भाई साहब, देखते हैं इनके अटैक को, क्या उखाड़ पाएंगे ये, क्या नहीं उखाड़ पाएंगे, क्या ये चिराग का यूज़ कर पाएंगे, चलो भाई देख लेते हैं साथ में। फिलहाल आर्मी लाए हैं ड्रैगन्स की, ओके, और ये बेस देखा जाए तो फुल्ली मैक्स नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई, लेआउट अच्छा है, लेआउट अच्छा रहता है तो आप लोगों को पता ही है फंस जाता है, और जब फंस जाता है तो बहुत दिक्कतें आती हैं गाइस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इनको दिक्कतें आएंगी या नहीं आएंगी, फंसना तो नहीं चाहिए वैसे, चलो देख लेते हैं। वैसे हो जाता है कभी कभी, बंदा हल्के में लेके पेलता है ना ऐसे बेसों को, तो पेलने की जगह पिल जाता है कई बार, ऐसा देखा है मैंने। चलो देखते हैं, वार्डनेबिलिटी यूज़ कर दी है, फिल्म जा रही है टीएच के लिए, और यहाँ निकल चुका है टोर्नाडो। ओ भाई साहब टीएच पे टोर्नाडो था, टीएच लिख लेगा, टीसी में येटी लिए हैं जिसने कि लावा ट्रिगर कर दिया। ओ भाई साहब ये तो गलत हो गया, एंड ऐसा नहीं होना था, अभी चलो लावा को तो मार दिया जाएगा जैसे भी करके। फिलहाल यहाँ पर हीरो चल रहे हैं एंड आरसी की फाइट हो रही है, ओ फ्रीज किया यहाँ पर,
निकल तो है। चलो भाई साहब सही है, एंड क्वीन यहाँ पर सीसी को टेक डाउन कर रही है और कर भी देगी। फिलहाल यहाँ पर एक फ्रीज यूज़ कर लिया इन्होंने एयर डिफेंस के ऊपर। रॉयल चैम्पियन किंग क्वीन साइड से चल ही रहे हैं, पांच बंदे इस अटैक को देख रहे हैं। ट्रिपल तो हो जाएगा ऐसा लग रहा है, लेकिन रोते रोते होगा, मतलब जैसा होना चाहिए था ना वैसे नहीं हो पाएगा। ट्रिपल तो ये कर देंगे, लेकिन स्वेग वाला सीन नहीं आ पाएगा यहाँ पे। और इस बेस पे बहुत स्वेग किया जा सकता था क्योंकि मैक्स नहीं था ये बेस। चलो कोई बात नहीं, हमें स्वेग से लेना क्या है, हमें तो ट्रिपल चाहिए, ट्रिपल चाहिए। हमें तो चैंप 3 से चैंप 2 जाना है। हमें क्या करना बंदे के स्वेग से, हमने अपना स्वेग दिखा दिया वो काफ़ी है। चलो अभी देख लेते हैं ट्रिपल होगा या नहीं होगा, या वो भी फेल हो जाएगा। वैसे तो एक फ्रिज स्पेल है इनके पास, तो ये लो भाई कोई ना आधे अंदर आ गई, यहाँ फ्रिज यूज़ कर दिया, एबिलिटी यूज़ कर दी और ये हो गया ट्रिपल। ठीक है, तो ये देखो भाई साहब यहाँ पर हमारा 7 में 20 स्टार हो गए हैं, आप लोग काउंट कर लेना। मुकुंद भाई साहब आ चुके हैं अटैक के लिए, तो इनके अटैक को देख लेते हैं और स्कोर आप लोग देख लेना भाई। मतलब बैक टू बैक ट्रिपल ही मारे हैं, कहीं आप लोग सोचो कि भाई ट्रिपल नहीं, मतलब जो 3 स्टार हुए सिर्फ वो दिखाएं, ऐसा कुछ सीन नहीं है, सारे ट्रिपल हुए हैं यहाँ से। फिलहाल यहाँ पर अभी देखते हैं, ओ ए डिफेंस बच गया ये वाला, यार ये ए डिफेंस क्यों बच गया, ये वाला ए डिफेंस बचना नहीं था, इसकी हेल्थ देख रहे हो कितनी है। अब ये ड्रैगन को हिट कर रहा है यार, अरे भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, अब तो हो गया जो होना था। मुकुंद भाई साहब से मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, यहाँ से इन्होंने डाले सारे सुपर ड्रैगन्स, एंड वार्डन भी डाल दिया है, ड्रैगन भी डाल दिया है। ओके क्या करना चाहते हैं भाई, फिल्म होल्ड है, रेज डालिए यहाँ से, स्वीपर दिक्कत दे रहा है इनको काफ़ी। फिल्म डाल दी है, फिल्म आ भी रही है, क्या बिलिम पहुंच पाएगी वहां तक जहां तक पहुंचाना चाहते हैं। एबिलिटी यूज कर दी है, ओ भाई बिलिम, बिलिम भी देखो यार आप लोग, बिलिम पे आ गई, क्या लिया है बिलिम में, ओके इनविजिबल क्लोन करा, रेज मारा, एंड यहां की पूरी वैल्यू लेना चाहते हैं भाई साहब। इसको तो सब मिल जाएगा यहां पर, स्कैटर टाउन हॉल वाउन हॉल सब ले गया, ये तो इन्फर्नो यार गजब कर दिया इसने तो, सब कुछ चिपका पड़ा था, वैल्यू पूरी मिल गई। अब बेस में बचा क्या, कुछ नहीं बचा गाइज, ये तो बेचारा गरीब हो गया ये बेस, कुछ नहीं छोड़ा इसने, इस पर गरीब कर दिया गाइज इस बेस को इसने। देख रहे हो बिलिम कहाँ खोली थी बंदे ने, मतलब बिल्कुल ऐसा सीन कर दिया, नेक्स्ट लेवल लाठी चार्ज हो गया इस बेस के ऊपर। अब देखते हैं भाई ट्रिपल ही है क्या, देखना इसको ट्रिपल लग रहा है नहीं लग रहा आप लोगों को, मेरे को तो ट्रिपल लग रहा है, 100% ट्रिपल लग रहा है मेरे को, पूरी बिलिम खोली और पूरा कवर। चलो जी कोई बात नहीं, ट्रिपल लग गया आज तो, बैक टू बैक ट्रिपल लग रहे हैं, बंदे मार ही नहीं रहे भाई, अब मारे जा रहे हैं, पिटाई कर दिया खतरनाक वाली। अब देखते हैं भाई आगे क्या देखना, 8 में हमारे 23 हो गए, तो खतरनाक सीन कर दिया यार इस मैच में। तो गाइस तुम्हारे भाई ने ऐसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में वादा करा था, आप लोगों को दिखाऊंगा क्रोन वाइटी का सीन ये अभी वोर मिली है थोड़ी देर पहले ही, देख लो यहाँ पर अभी मतलब मैच ही हुई है वोर, बस कौन कौन से क्लैन मिले हैं देख लो भाई साहब, ये रहे आप लोगों के सामने ये सारे क्लैंस मिले हैं, इन सारे क्लैंस के साथ खेलनी है एक वोर हम लोगों को। तो क्या कहना है आप लोगों का इन क्लैंस के बारे में, कैसे क्लैन है ये, क्या जानते हो आप लोग इनके बारे में, कमेंट करके बता देना। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी है अटैक अच्छे लगे तो भाई साहब लाइक कर देना। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू एंड लव यू।